सब्सक्राइब कीजिए टेकवाइज चैनल को, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें आने वाले सभी वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्रैक स्क्रीन के बारे में। दोस्तों, यदि आपका स्क्रीन टूट जाता है या किसी प्रकार से आपका स्क्रीन क्रैक हो जाता है, जैसे कि देखिए ये मोबाइल हुआ है, देख सकते हैं आप, ये जो है Redmi 4 है, पूरी तरह से इसका स्क्रीन क्रैक हो गया है, यानी कि टूट गया, ऊपर का जो डिस्प्ले है टूट गया है। तो इसमें आप टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि क्या क्या ख़राब हुआ है, जैसे कि इसमें 2.5D का ग्लास लगा हुआ है, तो इसमें अब जो भी ख़राब हुआ है, लेकिन अब ये जो सर्विस सेंटर में चेंज होगा पूरी तरह डिस्प्ले के साथ ही चेंज होगा। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, यदि इस तरह का आपको टूट जाता है तो आप एक टेस्ट भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं एक एप्लीकेशन का नाम आपको बता देता हूँ, जैसे कि टेस्ट एम एक एप्लीकेशन है जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं यदि आपका मोबाइल गिर के टूटता है तो क्या क्या आपका ख़राब हुआ है। जैसे कि इसको हमने इंस्टॉल कर लिया, थोड़ा सा नेट स्लो है तो डाउनलोड होने में लेट हो रहा है। तो चलिए कुछ और बात करते हैं, जैसे कि यदि आप अपने स्क्रीन को टूटने से बचाना चाहते हैं तो अपने बैक साइड में केस ज़रूर लगाइए। देखिए मेरे बैक साइड में केस है, फिर भी ये टूट गया है, लेकिन ऊपर में जो था इसमें हमने टेम्पर ग्लास नहीं लगाया था। तो इसमें आप टेम्पर ग्लास लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, और बहुत ही महंगा कीमत का टेम्पर ग्लास लगाए जिससे आपका स्क्रीन टूटने से बच सकता है। तो दोस्त ये जो ऐप्स हैं इंस्टॉल हो गई है, तो चलिए इसके कुछ डिटेल के बारे में हम बता देते हैं, जैसे कि कहीं से आपका यदि मोबाइल गिरता है तो क्या क्या ख़राब होता है। चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ, देख लिए ऐप का नाम इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा, टेस्ट एम है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है, जैसे कि आप पूरी तरह से नेक्स्ट करते हैं यदि, यहाँ पर आपका आता है क्विक टेस्ट और फुल टेस्ट। तो हमारा जो है स्क्रीन टेस्ट लेंगे, स्क्रीन में क्या क्या खराबी हुआ है, जैसे कि देखिए यहाँ टच का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर बोल रहा है कैसे ऐसे करने घिसने के लिए बोल रहा, तो आप यहाँ से ऐसे ऐसे करके टेस्ट कर सकते हैं कि आपका कहाँ पर ख़राब हुआ है, पूरी यहाँ से वहाँ घिस के आप पता लगा सकते हैं कि कहाँ तक आपका ख़राब हुआ है। तो दोस्तों देखिए हमारा जो टच पैड है वो बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर है, फिर भी यदि हम इसे चेंज करना चाहते हैं तो हमको डिस्प्ले ही चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर का जो ग्लास है पूरा डिस्प्ले के साथ अटैच होता है, तो इसे डायरेक्टली हमको डिस्प्ले ही चेंज करना होगा। तो चलिए सर्विस सेंटर में जा कर देखते हैं कि इसका क्या खर्चा होता है और क्या नहीं। तो दोस्तों फाइनली हम सर्विस सेंटर से आ गए हैं, देखिए ये जो है स्क्रीन लगाए हैं इसमें, देखिए ये है स्क्रीन, इसमें करीबन हमको 772 रुपये का 2772 रुपये खर्च हुए। देखिए बिल है ये वाला, यहाँ पर लिखा देखिए, देख सकते हैं 2781.85 रुपये, देखिए ये वाला है जो बिल दिया है सर्विस सेंटर की ओर से। तो दोस्तों आपसे एक सजेशन करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक अपने मोबाइल में टेम्पर ग्लास नहीं लगाया तो प्लीज़ लगा लें, आप ही के मोबाइल के लिए सेफ्टी है, क्योंकि टूटता है तो बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, क्योंकि आपका जो पहले से 2.5D ग्लास लगा हुआ होता है वो जो है आपके डिस्प्ले से अटैच होता है, इससे यदि चेंज होगा तो आपके पूरे डिस्प्ले के साथ ही चेंज होता है, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ही नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने यदि टेम्पर ग्लास अपने मोबाइल में नहीं लगाया है तो प्लीज़ लगा लें। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।